वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। अभी इवनिंग का टाइम हो गया, इवनिंग मतलब 5 बजने वाले हैं, 4:30 से ऊपर हो गया है। तो आज ना विवान जो हनी बनी का बेस्ट फ्रेंड है ना साइड वाले घर में, तो उसका बर्थडे, एक्चुअली कल उसका बर्थडे बट आज उनकी पार्टी है। मुझे बिल्कुल ध्यान से मेरा निकल गया था, मुझे लगा कि हम बर्थडे की दिन ही पार्टी होगा, तो इवनिंग को जीत जब आएंगे तो उसके लिए कुछ जाके गिफ्ट ले आऊंगी। बट जब हनी बनी स्कूल जा रहे थे ना 2:30 बजे, मुझे दिखा उनका रूम डेकोरेट हो रहा है, घर डेकोरेट हो रहा है, तो फिर पता चला कि आज ही पार्टी है। तो फटाफट हनी बनी को स्कूल ड्रॉप करके गई थी उसके लिए गिफ्ट लाने। तो एक रोबोट ऐसा लेके आई हूँ एंड एक स्पाइडरमैन लेके आई हूँ एंड उसके लिए कुछ लाऊं, मेरे तो रत्नों के लिए कुछ नहीं लाऊं तो फिर महाभारत छिड़ जाएगा इधर, इसलिए उनके लिए भी एक छोटा छोटा एक स्पाइडरमैन एंड एक बैटमैन लेके आई हूँ। एंड जो बर्थडे में उनको बहुत सारा प्रेजेंट मिला था ना, उसमें से भी 2 निकाला है ताकि उनको दूं कि हाँ खेले, क्योंकि बहुत सारा प्रेजेंट मिला था तो उसको भी ओपन नहीं किया था मैंने, तो एक एक करके कभी कभी हम उसको देते हैं, तो वही उसमें से 2 निकाले हैं एंड ऐसे 2 ले आई हूँ, तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा प्लस उनको रिटर्न गिफ्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि ना वो जिस भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, पार्टी में एंटर करते के साथ ही बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट दे दो हमें, रिटर्न गिफ्ट जब तक नहीं मिलता मुंह ऐसे लटका कर रहते हैं, मतलब पूछो मत, जैसे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा फिर खुश खेलना स्टार्ट करेंगे, जब तक रिटर्न गिफ्ट नहीं। और पार्टी में जाते जाते थोड़ी कोई रिटर्न गिफ्ट दे देता है, वो तो लौटते टाइम दिया जाता है, तो इसलिए मैं ये 2 उनको पकड़ा दूंगी ताकि वो खेलते रहे एंड फिर उन पार्टी खत्म होने के बाद जो उनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा तो मिलेगा। तो बस फटाफट मैं इसको पैक कर देती हूँ देन हनी बनी को स्कूल जाऊंगी पिक करने के लिए। तो ठीक है गाइस, हॉल में लाके हमारा बेडरूम वाला जो फैन है वो रख दिया है। एक्चुअली सेंट्रल एसी है तो फैन बिल्कुल भी नहीं है घर में, यही एक जो टेबल फैन हमने लिया था। एंड पहले क्या होता था, दिन में एसी नहीं चलता था, ठंडा रहता था घर, रात को खाली एसी चलता था रात भर, तो दिन में नहीं चलता। बट अभी बहुत गर्मी बढ़ गई है तो दिन में कभी कभी एसी चलाना पड़ता है, 1-2 घंटे तो चलाना ही पड़ता है। एंड ज़्यादा एसी चलाने से ना वो एयर जो होता है ड्राई हो जाता है, देन नोज ड्राई होने लगते हैं। एंड हनी बनी का, जीत का ब्लीडिंग तो नहीं होता है बट जीत का नोज बहुत ड्राई होता है। एंड बनी का एक साइड के नोज से ब्लड निकलता है ज़्यादा जब नोज ड्राई हो जाता है, तो वही डॉक्टर बोल रहे हैं ह्यूमिडिफायर चलाओ, थोड़ा सा लाइन वाटर स्प्रे करो, और कुछ उसका इलाज है नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी बच्चों को यहाँ पे होता है नोज ब्लीडिंग, हल्का सा होता है बिकॉज ऑफ दिस ड्राइनेस, एसी की वजह से होता रहता है। तो ह्यूमिडिफायर हमारा खराब हो गया था। डुगू व्हाट यू डूइंग, तो ह्यूमिडिफायर हमारा खराब हो गया था, इतने दिनों से चला नहीं था, इसलिए कल रात को उसको इतना ब्लीडिंग हुआ यहाँ पे एंड सुबह भी ब्लीडिंग हुआ। तो फटाक से जीत ने बोला कि ह्यूमिडिफायर ऑर्डर कर, तो वही आज मैंने देखे। पहले हमारे पास 1.5 लीटर का था ह्यूमिडिफायर, अभी 3-3 लीटर के मैंने 2 ऑर्डर किए ताकि बेड के 2 साइड पर रख पाएँ, तो अच्छे से थोड़ा सा एयर में मॉइस्चर आएगा तो शायद ब्लीडिंग नहीं होगा। देखते हैं, अगर वो काम नहीं करता है, क्योंकि खाली फैन में तो नहीं सो सकते, अभी करीब 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, तो वरना जीत को बोलूँगे कूलर ले आएंगे, एसी बस 1 घंटा चलाएंगे, उसके बाद बंद करके कूलर चला के रात में सोएंगे, ऐसा कुछ करेंगे। और एक ही फैन है तो बार बार उसको हॉल में दिन भर हम लोग रहते हैं तो उसको इधर उधर 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 बेडरूम करना पड़ेगा। तो देखती हूँ, अगर ह्यूमिडिफायर काम नहीं अच्छे से वो नहीं हुआ देन एक कूलर लेके एसी बहुत कम जितना हो सके उतना चलाएंगे, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। डॉक्टर से भी हमने पूछा, बोला कि वही ऑप्शन और कुछ चारा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे होता ही रहता है बच्चों हमेशा एसी की वजह से ड्राइनेस होता रहता है, स्किन भी आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतनी गर्मी है 50 डिग्री, फिर भी बिना मॉइस्चराइजर के आप रह नहीं सकते, इतना ड्राई है ना, बिना मॉइस्चराइजर के कोई जकड़ के रखा है वैसा लगता है। तो एनीवे जो भी हो, हनी बनी का बर्थडे में जाएंगे अभी, तो बस उनको थोड़ा सा चॉकलेट मिल्क पिला दूंगी, बाकी उनका खाना पीना उधर ही है
तो उनके कपड़े उनको कपड़े पहना दो, खेल रहे हैं उधर, कुछ कपड़े पहना दो। That will mean everything, yeah, everything to me. Can we get out of this one? Waiting and missing, I never thought you. Ow, 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 let's leave here. It's me too. So first promise me in the party you will eat properly, okay? And you will not ask for return gift. Okay. Auntie will give you return gift when the party is over. After cake cutting, auntie will give you return gift. So don't ask for return gift, okay? So now close eyes. What you got? Batman. Okay, you share. Bunny, you give your Batman. Spider-Man, you take Spider-Man. I got new Spider-Man. Okay, you give your Spider-Man to Bunny. बर्थडे से जाने से पहले इनको गिफ्ट मिलता है। कम हियर हनी और लाइट, कम हियर, कम हियर, शो टू एवरीवन, शो टू एवरीवन, शो योर लाइट, हाउ हाउ लाइट, ओके, एंड बनी गॉट स्पाइडरमैन, ये शो काइंड ऑफ टिशू टिशू माय एवरीवन विच आई फ्रेंड जू 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 मम्मी के बनी गॉट Bunny Spider-Man. Bunny Spider-Man. Did you? Yes. Yay! Did you? Wow. Chalo. Now we will go to birthday party. Now we go to birthday party. So I promise you will not ask for return gift to auntie, okay? वरना जाते के साथ ही रथ लगाते जितने भी बर्थडे पार्टी फ्लोर में हुए हैं अभी तक जाएंगे रिटर्न गिफ्ट दो या बेबी birthday party. Yeah. So this one, Bunny, you hold. Okay. And Honey, hold that one. Yeah. For V1. Yeah. And who will take this gift? You have to give to V1 and say happy birthday V1 and give a huggy. Mama, okay? Mama, who will take this present? V1. It's V1. Honey, wait. All are here only. Oh, Kyra, looking so pretty. Chalo. Eat everything, okay? Whatever auntie will give you have to eat. Honey bunny gaye birthday party mein. अपना अपना किड्स बर्थडे पार्टी होने लगा है। इतने बड़े हो गए हैं कि अकेले जाते हैं पार्टी अटेंड करने। इस बार जब हनी बनी का हम लोग बर्थडे प्लान कर रहे थे ना रेस्टोरेंट में जब किया था, तब जीत और मैं बात कर रहे थे कि 4 साल के हो गए बस, और 4-5 साल उसके बाद तो हम लोग कहाँ उनके बर्थडे में मतलब हम उनके बर्थडे पार्टी कहाँ अटेंड करेंगे। मोस्टली यहाँ पे 8-10 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, फिर वो अपना इस टाइप का वो पार्टी इंजॉय नहीं करते हैं। वो अपना जो मैजिक प्लैनेट हो गया, किसी गेम जोन में जाके पेरेंट्स वगैरह सारा बुकिंग कर लेते हैं, खाली बच्चे उनके स्कूल के फ्रेंड्स हो, जो भी फ्रेंड्स हो, वो जाके अपना खेलते रहते हैं उधर, एंड कुछ पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज यही कुछ पैक वगैरह बना देते हैं हैप्पी मील टाइप का। तो वही होता है बच्चों का, क्योंकि उनको तो खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है, बस वही खेल कूद में। तो हमका वही कुछ साल और बच्चे हैं, हम लोग हनी बनी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद तो वो अपने ही सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यही है। हमारे टाइम पे तो मैंने तो शायद बीटेक के आखिर 2 साल करीब मैंने केक कटिंग किया होगा, उससे पहले मैंने कभी भी केक कटिंग नहीं किया था। हम मतलब उस टाइम पे मेरा हमारा बर्थडे मतलब क्या,
कि घर में पूजा होगी अच्छे से, खीर बनेगा, देन इडली घुगनी, देन पिठा, यही सब बनेगा एंड वही बुआ चाचा चाची यही सब मिलके हम लोग खाएंगे। यही हमारा बर्थडे होता था, छोले मतलब यही सब बनता था घर में एंड बस यही। उससे पहले मतलब बस मैंने इंजीनियरिंग के 2 साल जो लास्ट फाइनल ईयर था उसके थर्ड ईयर उसी टाइम पे खाली मैं अपने बर्थडे में शायद गई थी अपने दोस्तों के साथ में रेस्टोरेंट ऐसे कुछ मनाने के लिए, वरना तो घर पे ही होता था। और हनी बनी अभी 4 साल से अकेले बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, तो बस यही है। चलो वो लोग तो कुछ आज वहाँ पे खाते आएंगे, बट फिर भी घर पे तो कुछ ना कुछ मैं खिलाऊंगी उनको। तो परवल रखे थे मुझे ना, मैं भूल गई थी कि परवल घर में रखा है, वरना मैं कल ही बना देती क्योंकि माया को परवल बहुत पसंद है। तो वही परवल आलू की भाजी बना दूंगी साथ में डोसा, यही आज का। Go, Mama told you, you'll not do like this. Mama gave you your Batman. Now you play with that. It's his birthday. He will play. Go. Okay, tell Vivan. Can you please share? Sharing is caring. Mama, then Vivan will. So Mama will what? Mama will. But all auntie came. All auntie came. बार बार आके कंप्लेन कर रहे है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, उसने अब नहीं दिया। गो 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 इनसाइड नाउ, चलो मामा विल ओपन, चलो। दे विल गिव बेबी, इफ यू डू लाइक दिस देन दे विल नॉट इनवाइट यू टू द पार्टी। कम डू सुसु देन गो अगेन, कम। हां या फ्रेश रो गो 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 You got return gifts? Yeah, I got kitty. बस अब खुश हो जाए, पुलिस कार मिल गया, वो मिल गया, ट्रक मिल गया, बस। You got so much of return gifts? So many return gifts? मुझे ब्लैकमेल मत कर। हाँ ओपन नो 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 बन नो बन नो आई विल नॉट ओपन योर नो टेल नाइसली बनी टेल जी वी वन यू लाइक योर गिफ्ट What you ate? What you ate? Everything. What everything? What mama made? My everyone gives to me gifts. Wow. Because it's your birthday, that's all. We will find our way back together. But right now, there's stormy weather. जिस दिन मैं उनको बोलूंगी ना कि आज जल्दी आना, उसी दिन वो लेट आएंगे। सुबह मैंने बोला कि आज प्लीज जल्दी आना, आज कल विवान का बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेना है, मायरा के लिए भी गिफ्ट लेना है, इतने सारे बच्चों का बर्थडे है एंड मुझे भी जाना है, नेक्स्ट वीक हमारा पूजा है हमारा एक सावित्री व्रत का पूजा है, तो जाना है मुझे, कुछ कपड़े लेने हैं। और आए कितने बजे? रात के 10:30। कितना बात करती है ना ये, कितना चीची 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 करती है। गाइस आप ये बताएं, आप ये बताएं कैसे हैं आप? मैं भी अच्छी हूँ, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। बट प्रॉमिस करो कि कल फ्राइडे पूरा सुबह से लेकर रात तक छुट्टी वाले दिन फैमिली के साथ बिताओगे। अगर कुछ भी आप फोन उठाओगे ना फिर देखना।
ना मैं कल ब्लॉगिंग करूंगा ना आप करना, कोई कोई काम नहीं करेगा। चलिए जो हुक्म मेरे आका, तो चलिए तो हम पहले कुछ पेट पूजा करें फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। पीछा पीछा दुगु डोंट मिक्स दी थिंग्स अदरवाइज विल गो व्हाट व्हाट टॉक। आजकल एक नया नया हथियार उठाया है इन दोनों ने हमारे खिलाफ, जैसे कुछ बोल दो कुछ बोल दो, मतलब आंसू नहीं आते हैं, बस आंख नहीं नहीं हल्का लवली सा आंखों को नम कर लेते हैं। और ये वो जो फिल्मों में नहीं दिखाते थे रोते थे वो वाला यो लाइक व्हाट आई सेड इफ आई सी यू डूइंग दैट मामा विल गिव ऑल योर टॉयज टू शिवांगल बेबी। वाटर गोइंग डाउन, देखो नखरे देखो कहाँ है, वाटर नहीं है आंख में, वाटर गोइंग डाउन। काम कर दी वो भी वाटर इज गोइंग डाउन आप लोगों ने देखा पहली बार आप सामने जीत ने डांटा ओडिया में, जब वो डांट खाते ओडिया में खाते प्यार होता है तो हिंदी में, डांट खाते हैं तो ओडिया में। सो यू आर गेटिंग बिग इन ओडिया फिल्मी कलियां खिला रहे हैं। देखो आप मेरी बीवी बिल्कुल शांत हो गई है, खाना वाना खा लिया है, हम लोग बहुत खुश हैं। इससे थोड़ी देर पहले जो इसका गुस्सा दिख रहा था वो तो ऐसे नकली था, हम लोग बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो किसने मना किया? और क्या क्या और क्या क्या बोलने के लिए बोला तुमने मुझे? हमने खाना खा लिया है, हनी बनी का अभी तक बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हुआ है, उनके घर में ही है अभी, मतलब उनका बर्थडे के नाम से पता नहीं क्या ऐसा क्रेज है। बर्थडे के नाम से नहीं, वहाँ बहुत सारे अलग बच्चे भी हैं तो बर्थडे से एक्साइटेड, बर्थडे केक गिफ्ट, मतलब बर्थडे मतलब प्रेजेंट मिलेगा। एक टाइम वो था जब हनी बनी केक काटने से डर रहे थे, आई डू नॉट नो, मतलब वी वर रियली शॉक्ड, क्या हो गया था अचानक एक बार। अरे वो ब्लॉग जब मैंने नया नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मतलब 2 साल का बर्थडे हम लोग उनका प्लान कर रहे थे, तो वो केक काटने के इतना रोते थे केक देख के ना, तो हमने हम लोगों ने रिहर्सल करवाया था। आई थिंक मेरे को याद है कोई दो बलून्स फूटे थे शायद, उनको लगा था केक फूटा, पता नहीं क्या हुआ था, मतलब लिटरली सेकंड बर्थडे तो उनका हुआ नहीं बट प्लानिंग था, हो रहा था होने के लिए, तो उससे पहले हम लोग ना 2-3 केक्स लाके रिहर्सल कर रहे थे कि केक काटेंगे कैसे वो, है ना। बट अब देखो केक का मतलब किसी का भी बर्थडे वो केक काटते जाके, तो जो भी हो खा लिया है उन्होंने भी खा लिया। हमारे बर्थडे में तो वही काटते हैं, लेकिन कहीं और जाते हैं तो भी वही बीच में खड़े रहते हैं केक काटने। तो उनके घर पे मेहमान आए हैं, मतलब मेहमान मतलब बच्चे, तो बस वो लोग भी उनको छोड़ने के लिए राजी नहीं है हनी बनी को। करेक्ट ठीक है। अरे वो फूट रहा था, मेरे को याद है कैमरे के सामने मेरा सेवा नहीं, मैं ये उंगली मुझे बहुत दर्द होता है यार, मुझे बड़ा मजा आता है जैसे उंगली चटकाने में। नहीं 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 छोड़ो,
आप लोग भी ये बताइए कि आपको उंगली चटकाने में मजा आता है, ये ना एक एंजाइटी रहती है, खट 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 करते रहो, जब नहीं भी हो तो भी खट 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 खट, बहुत बुरी आ जाता है, मत किया कीजिए प्लीज, मैं भी बहुत बुरा बुरा करता हूँ। तो चलिए गाइस उस रूम का एसी चला दो फिर फैन डाल सुन। हाँ तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, कल चलेंगे बाहर घूमने फ्राइडे, इतने दिनों के बाद घूमे घूमे थोड़ा घूमे 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 मतलब क्या मतलब मेरे फेवरेट जगह पे जाऊंगी नर्सरी प्लांट्स लेने के लिए, है ना। मिलते हैं कल नर्सरी में, ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं कल नए और फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तुम सच में एसी ऑन कर दो रूम में।